स्टूडेंट्स बात करेंगे हम सम केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कौन से कौन मतलब कि डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे जिसमें इलास्टिक कोलिजन जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी. और इलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने ये पढ़ रखा है कि वहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, कंजर्व रहती है. और उसके लिए जो है वो हम लोगों ने जैसा कि अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन जो है वो होल्ड करती है. और दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी स्टूडेंट्स कि जिस तरह से हमने दो बॉल्स का जिक्र किया था और हर केस में हमने बॉल्स को लेके उनके बारे में जो है वो स्टडी किया था कि किस तरह से उनमें जो है वो कोलिजंस का प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है. ठीक है, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बॉल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, और अगर इनकी वेलोसिटीज v1 और v2 हैं और इनके मैसेज m1 m2 हैं, और जब ये कोलाइड करते हैं वन डायमेंशन में, यानी कि अब यहाँ अगर मैं इसके एरो हेड को ज़रा ठीक कर देती हूँ कि अगर वन डायमेंशन की बात करें एक एक्स एक्सिस में, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो दोनों बॉडीज जो हैं वो मूव कर रही हैं, ठीक है, थीके? तो उन केसेस में हमारे पास जब आफ्टर कोलिजन जो इनकी वेलोसिटीज आती थी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या आती थी कि हमारे पास एक वी प्राइम आ जाती थी और दूसरी हमारे पास यानी कि v2 प्राइम और v1 प्राइम हमारे पास की फाइनल वेलोसिटीज आ गई थी. ठीक है, v1 प्राइम और v2 प्राइम आफ्टर कोलिजन की बात कर रही हूँ मैं. ठीक, तो अब ये जो दो वेलोसिटीज हैं ये हमारे पास बेसिकली अननोन है, और बाकी हमें मास मालूम है इस इन बॉल्स का, हमें इनकी वेलोसिटीज मालूम है. और ये v1 प्राइम और v2 प्राइम हमने पिछले लेक्चर्स में जो कैलकुलेट किए थे, मैं उनके सिर्फ रिजल्ट्स लिखने जा रही हूँ यहाँ. v1 प्राइम की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1, और प्लस हमारे पास आया था 2m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2. ठीक है, ये हमारे पास v1 प्राइम यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ हमारे पास मास m1 की आ गई थी, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m2 जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ रही है 2m1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1. ठीक है, और प्लस m2 माइनस m1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2. ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई फॉर मास m2. अब हम जो है कुछ केसेस कंसिडर करेंगे जिनमें हमने फाइनल वेलोसिटीज जो है वो फाइंड आउट करनी होगी, जिसमें दो बॉडीज जो हैं वो इलास्टिक कोलिजंस परफॉर्म कर रही हैं इन वन डायमेंशन. ठीक है, अब ये फॉर्मूलाज जो हैं इनको हम जो है अंडर कंसिडरेशन रखेंगे. अब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट केस क्या होता है. ठीक है, फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे, केस यहाँ मैं लिख देती हूँ केस नंबर 1. केस नंबर वन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, ठीक है, और उनके सेम मैसेज हैं. ठीक है, एक को मैंने पर्पल कलर से शो कर दिया, एक को मैंने ब्लू कलर से शो कर दिया. अब इनके जो मैसेज हैं स्टूडेंट्स वो m1 और m2 हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारे पास m1 जो है वो इक्वल आ जाता है m2 के, और इनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज थी स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, v1 और v2 हैं. अब हमने इनकी फाइनल वेलोसिटीज जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि v1 प्राइम फाइंड आउट करना चाहते हैं हम लोग, और v2 प्राइम जो है वो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं. अब उसके लिए हम ये अबव इक्वेशंस यूज़ करते हैं, और अबव इक्वेशन अगर मैं यूज़ करूँ तो v1 प्राइम हम कैसे फाइंड करेंगे, m1 इज इक्वल टू m2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि m1 माइनस m1 जो है हमारे पास जीरो हो जाएगा. और यहाँ अगर मैं m1 पुट करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास 2m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m1 इंटू v2 आ जाएगा, और ये इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, v2, यानी कि 2m1 और ऊपर भी हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में m1 आ जाता है. तो जिससे मुझे पता चला कि मेरे पास v1 प्राइम यानी कि v1 प्राइम की मेरे पास क्या वैल्यू आई है, v2 आई है. ठीक है, और इसी तरह बिल्कुल इसी प्रोसेस के तहत मैं v2 प्राइम की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकती हूँ कि यहाँ मैं अगर m1 इज इक्वल टू m2 पुट करती हूँ तो ये वाली पूरी टर्म हमारे पास जीरो हो जाती है, और ये वाली टर्म जो है इसमें हमारे पास क्या बचता है, v1 बचता है, यानी कि v2 प्राइम जो है वो v1 के बराबर आ जाता है. यानी कि इस ये तो मेरे पास की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गए, लेकिन अगर मैं देखूँ कि जब दो बॉडीज जो हैं जो सेम मैसेज के आपस में कोलाइड करती हैं तो वो जो है उनमें क्या होता है कि आफ्टर कोलिजन यानी कि m1 मास जो है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, यानी कि उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जो है फाइनल वेलोसिटी जो है वो m1 की वो किसके बराबर हो जाएगी, v2 के बराबर हो जाएगी, और हमारे पास जो m2 की वेलोसिटी है वो v1 के बराबर आ जाएगी, यानी कि उनकी वेलोसिटीज जो हैं वो बराबर आ जाएंगी ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटीज, यानी कि इनिशियल वेलोसिटीज के बराबर आ जाएंगी जो कि ऑपोजिट मास की हैं. ठीक है, ये हमने यहाँ से जो है ये कंक्लूजन डराइव किया. फिर उसके बाद सेकेंड केस हम देखते हैं स्टूडेंट्स, कि सेकेंड केस हमारे पास क्या होता है,
केस नंबर टू हम डिस्कस करते हैं. केस नंबर टू कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो मैथ्स है, यानी कि दो मैसेज, सेम मैसेज की दो बॉडीज हैं, लेकिन जो सेकंड मैथ्स है वो एट रेस्ट है, यानी कि सेकंड मैथ्स जो है वो क्या है, एट रेस्ट है. इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही वाले फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे, फाइनल वेलोसिटीज हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. तो अगर मैं m1 इज इक्वल टू m2 पुट करूँ तो हमारे पास जो पहली वाली टर्म है वो अगेन मैं इसी फॉर्मूला के तहत ये वाली टर्म जो है हमारे पास जीरो के बराबर आ जाएगी, और v2 क्योंकि हमारे पास जीरो है तो इस वजह से हमारे पास v1 प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी. ठीक है, v1 प्राइम की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास जीरो आ गई. और v2 प्राइम की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, अगर मैं m1 इज इक्वल टू m2 पुट करती हूँ, m1 इज इक्वल टू m2 पुट करती हूँ तो ये वाली टर्म जीरो हो जाती है, और v2 यहाँ मैं m1 इज इक्वल टू m2 पुट करूँ तो मेरे पास v1 आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ मेरे पास v1 आ गया. तो ये क्या हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास ये हमें इस तरह से अगर मैं इसको शो करूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर ये ब्लू कलर की एक बॉल है, ठीक है, और एक पर्पल कलर की बॉल ले लेते हैं, बिल्कुल सेम मैसेज की बॉल्स है हमारे पास, और अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है लेकिन आपने इसको कंसिडर ऐसे ही करना है कि इनके मैसेज जो है वो बिल्कुल सेम है. ठीक, और अगर ये वाली बॉडी एट रेस्ट है, यानी कि वी टू इज इक्वल टू जीरो है, और कोई और बॉडी जो कि सेम मैस की है वो इसके साथ आके टकराएगी, तो क्या होगा कि पहली वाली जो बॉल होगी उसकी वो क्या आ जाएगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में चली जाएगी आफ्टर कोलिजन. ठीक है, और जो दूसरी वाली बॉल होगी वो उस वेलोसिटी से मूव करेगी जिस वेलोसिटी से पहली वाली बॉडी जो है वो उससे आके टकराई है, यानी कि वी टू प्राइम जो है वो उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से पहले वाली बॉडी आके उसके साथ टकराई थी. ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास थर्ड केस क्या हो, थर्ड केस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. केस थ्री में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास एक जो लाइट वेट की बॉडी है वो कोलाइड कर रही है हमारे पास एक मैसिव बॉडी के जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है, यानी कि हमारे पास जो लाइट वेट की बॉडी है, यानी कि हमारे पास m1 जो है वो बहुत छोटा है, यानी कि उसका मास बहुत कम है एज कम्पेयर टू m2. ठीक है, एक लाइट वेट की बॉडी का क्या मतलब है कि उसका मास बहुत कम है जिस सेकंड वाली मास बॉडी, मतलब सेकंड वाली बॉडी के मुकाबले में, और जो सेकंड बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, यानी कि हमारे पास उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि वो हमारे पास, यानी कि v2 जो है वो हमारे पास जीरो के बराबर होगी. ठीक, अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास, इसको मैं शो भी कर देते हैं कि फिगर के जरिए कि किस तरह से हमारे पास ये जो हमारे पास फर्स्ट बॉडी है जो कि बहुत लाइट वेट की है, और जो सेकेंड बॉडी है वो हमारे पास एक लार्जर मास की है. ठीक है, यानी कि m1 जो है ये हमारे पास स्टूडेंट्स m1 हो गया और ये मेरे पास m2 है. ठीक है, जैसे कि इस बिग बॉल से ये शो हो रहा है कि इसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू m1. अब जब ये बॉडी जो है इसके साथ कोलाइड करेगी, यानी कि इसके साथ टकराएगी, तो हमारे पास की जो फाइनल वेलोसिटीज हैं वो कैसे बनेंगी वो देखते हैं. जब हमारे पास स्टूडेंट्स m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2 है, यानी कि बहुत छोटा है, तो इस केस में हम ये मतलब कि इसकी अप्रोक्सीमेशन ये कर सकते हैं कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो है m1 जो है वो इक्वल टू जीरो है, यानी कि ये जो साइन है ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन का साइन है. ठीक, अब इस केस में अगर मैं इक्वेशंस जो कि हमने ऊपर देखी थी कि हमने v1 और v2 की फाइनल वेलोसिटीज की फाइंड आउट की थी, उन्हीं को मैं आपको दोबारा से शो कराती हूँ कि वो किस तरह से हम उसमें से फाइनल रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं. अब इन इक्वेशंस पे अगर आप गौर करें कि अगर मेरे पास v2 जीरो है तो स्टूडेंट्स ये वाली टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी जो है कैंसिल अप हो जाएगी. ठीक है, और अगर मैं m1 को जो है वो जीरो के इक्वल पुट करती हूँ तो उस केस में हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, जो v1 का रिजल्ट आएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v1 प्राइम का रिजल्ट जो आता है वो हमारे पास क्या आता है, माइनस v1. ठीक है, और v2 प्राइम का जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा है कि जब मेरे पास v2 जीरो है तो ये वाली टर्म अगेन हमारे पास जीरो को अप्रोच कर जाती है, और यहाँ मैं अगर m1 को जीरो पुट करती हूँ तो यानी कि m1 को जब मैं जीरो पुट करूंगी तो ये वाली टर्म भी हमारे पास कैंसिल अप हो जाएगी, यानी कि v2 प्राइम यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी यानी कि हैविंग मास m2 वो हमारे पास जीरो के बराबर आ जाएगी. अब ये जो रिजल्ट हमने प्रिडिक्ट किया है, ये इक्वेशन से निकाला है, वो हमें क्या बताता है कि जब एक लाइटर वेट की बॉडी जो है वो एक हैवी मास की बॉडी के साथ जाके टकराती है तो वो एक रिवर्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी जो है वो उसकी वेलोसिटी जो होगी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी. ठीक है, यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो v1 थी और उस फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, माइनस v1, यानी कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. और जबकि हैवी मास की बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को मेंटेन करेगी, यानी कि वो उसी पोजीशन में खड़ी रहेगी और वो अपनी मोशन जो है वो मतलब कि वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी. ठीक है, अब ये तो ये हमने देखा कि हमारे पास ये थर्ड केस था. अब फोर्थ केस में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, केस फोर यहाँ मैं लिख देती हूँ, केस
फोर्थ है हमारे पास, के फोर्थ में जो है वो हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक मैसिव बॉडी जो है, यानी कि हैवी मास की बॉडी जो है वो कोलाइड करती है एक लाइट वेट की बॉडी के, यानी कि इस केस में हमारे पास क्या हो गया, M1 जो है वो बहुत बड़ा हो गया M2 के मुकाबले में। ठीक, अगर अब M2 जो है, अब इसको थोड़ा सा मैं स्क्रोल कर लेती हूँ पेज को, अब यहाँ और जो हमारे पास M2 है यानी कि सेकंड मास जो है वो अगेन स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अब इसकी भी फिगर बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि इस केस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ब्लू बॉल है स्टूडेंट्स वो बहुत बहुत बड़ी है, यानी कि उसका मास ज़्यादा है, और जो हमारे पास सेकेंड बॉल है यानी कि पर्पल बॉल वो बहुत स्मॉल है, स्मॉल मास की है। अब इसके जो मैसेज हैं इनको भी मैं आइडेंटिफाई कर लेती हूँ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास M1 है, ये हमारे पास M2 है। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि M1 का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू M2, और M2 जो है वो क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास जीरो है। अब अगेन हम ये करेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्योंकि मास जो है M1 का वो बहुत ज़्यादा है M2 के मुकाबले में, तो इस केस में M2 की जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, यानी कि हम उस मास को निग्लेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू M1 मास। ये चीज़ ऐसे ही है जैसा कि अगर आप देखें कि अगर मैं कहती हूँ कि एक मेरे पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है, और उसमें अगर मैं उसके सामने अगर मैं 1 रुपी को देखूँ तो मेरे पास 1 रुपीज़ जो है वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू 1000। तो इसी वजह से बिल्कुल इस तरह का कंपैरिजन हमने यहाँ किया है कि हमारे पास जो M1 का मास इतना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू M2 के, हम उसको M2 के मास को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हम ये वाली वैल्यूज जो है अगेन इन इक्वेशंस में डालें, जो कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस है हमारे पास, उसमें V2 को ये वाली इक्वेशन जो है उसका ये वाला पार्ट जो है हमारे पास निग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ V2 की टर्म जीरो है, और जीरो जब किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट्स तो आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। और अब V1 जो है जब यहाँ हम M2 को जीरो पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप जो आंसर देखते हैं वो क्या बनता है कि हमारे पास V1 prime जो है वो V1 के बराबर आ जाता है, और हमारे पास यहाँ V2 prime अगर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी में निकालूँ तो हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ V2 की वजह से ये वाली टर्म जो है हमारे पास जीरो हो जाएगी, और यहाँ जो है स्टूडेंट्स हमारे पास अगर मैं M2 को जीरो पुट करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 2V1, 2V1 आंसर आता है, M1 से कैंसिल हो जाएगा और 2V1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को हम किस तरह से देखते हैं कि हमारे पास जब एक हैवी मास की बॉडी किसी लाइटर मास की बॉडी के साथ जाके टकराती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि V1 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी के। और जबकि सेकेंड बॉडी जो होगी स्टूडेंट्स यानी कि जो हैविंग मास M2 यानी कि सेकेंड बॉडी जो होगी वो डबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, कि मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 2 times V1 हो जाएगी, यानी कि मतलब कि बहुत उसके मुकाबले में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी जो कि इनिशियल वेलोसिटी थी V1 की। ठीक है, यानी कि उस क्योंकि ये स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, V2 हमारे पास क्या था, जीरो था, लेकिन इसने कौन सी वेलोसिटी अटेन की, जो कि हमारे पास M1 मैच की थी लेकिन उससे 2 times यानी कि 2 times बिगर वेलोसिटी के साथ वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया।